एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा है। बड़ी बातें क्या रही आपको बता रहे हैं, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ी बात है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा है। देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता की जगह नहीं है, ये भी कहा प्रधानमंत्री की ओर से। और ये कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास ही विश्व कल्याण का मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू में कहा उसकी बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया की भलाई के लिए सबका साथ सबका विकास जरूरी है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, भारत होस्ट है, ये भारत के लिए बड़ा कदम है, बड़ी बात है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा सबका साथ सबका विकास ही विश्व कल्याण का मंत्र है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया है न्यूज एजेंसी को। इंटरव्यू देते हुए बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है G20 की अध्यक्षता को लेकर कही गई कि भारत के लिए ये बड़ी बात है G20 की अध्यक्षता, और दुनिया में किस तरह से भारत के प्रति जो देश हैं, दुनिया के देश हैं, वो भारत को देख रहे हैं। ये भी कहा प्रधानमंत्री की ओर से 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा, ये बड़ी बात कही, बड़ा स्टेटमेंट रहा प्रधानमंत्री मोदी का इसी इंटरव्यू में। साथ में आपको बता दें कि उन्होंने देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है, ये भी बात कही है इस इंटरव्यू में। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की जो बड़ी बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सबका साथ सबका विकास ही विश्व कल्याण करेगा, यही विश्व कल्याण का मंत्र है, और दुनिया की भलाई इसी में है कि सबका साथ सबका विकास जरूरी है।